नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो ज़्यादातर लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है, कभी ना कभी इसके शिकार हम भी हुए होंगे। जी हाँ, ये बीमारी है कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन होती है जब हमें मोशन नहीं होता, ठीक से हमारा मल पास नहीं होता, इसलिए दिन भर हमें अनइजी लगते रहता है, अच्छा नहीं लगता है, फ्रेश नहीं लगता है, किसी काम में दिल नहीं लगता है। इसकी वजह से अक्सर गैसेस की शिकायत भी हमें हो जाती है और कई बार हम काफ़ी चिड़चिड़ भी करना शुरू कर देते हैं इस तकलीफ़ की वजह से। तो आइए दोस्तों जानेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो इस बीमारी में बहुत ही कारगर साबित होती है और बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट इन दवाइयों के हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही वंडरफुल इफ़ेक्ट कुछ दवाइयों के हमें इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। एक कुल मिलाकर चार मेन इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे चौथे नंबर की दवा से। चौथे नंबर की दवा है हमारी एलुमिना। जी हाँ, एलुमिना एक बहुत ही अच्छी दवा है कब्जियत के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। एलुमिना के अंदर जो पेशेंट होता है उन्हें बहुत दिनों तक के मल पास नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती है, जो आतड़िया बनी होती है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो मल पास करने का काम कर रही होती है, वो आतड़िया इनएक्टिव हो जाती है या वो ठीक तरह से उनके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाती है। इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना होने की वजह से पेशेंट को मल पास करने की या लैट्रिन जाने की इच्छा ही नहीं होती है। और ऐसा एक दिन दो दिन नहीं, कई कई दिनों तक जब हमें लैट्रिन जाने की इच्छा नहीं होती है तब एलुमिना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी रेमेडी के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। अमूमन हमें एलुमिना के अंदर जो स्टूल देखने को मिलता है वो स्टूल हार्ड, ड्राई और नॉटी ही फॉर्म में देखने को मिलता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एलुमिना के पेशेंट के अंदर हमें स्टूल सिर्फ ड्राई हार्ड ही देखने को मिले। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, स्टूल तो हमारी ठीक ही है, इतनी ज़्यादा सख्त नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा कड़क नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कब्जियत की शिकायत रहती है। तो ऐसे केसेस में भी एलुमिना काफ़ी अच्छी दवाई का काम करती है, काफ़ी अच्छी तरह से और अच्छे इफ़ेक्ट इस दवा के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात हमेशा ख्याल में रखना है हमें कि स्टूल सॉफ्ट भी रहा तो भी एलुमिना के पेशेंट का पेट साफ़ नहीं होता है। उसका मल सॉफ्ट होने के बावजूद भी पेशेंट उसका पेट साफ़ ठीक तरह से नहीं कर पाता है। बड़ों में और बच्चों में तो ये दवा काफ़ी इफ़ेक्टिव हमें देखने को मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्फंट्स के अंदर, अब इन्फंट्स यानी जन्म से लेके तो एक साल तक के बच्चों को हम इन्फंट्स कहते हैं, इन इन्फंट्स के अंदर भी अगर कब्जियत की शिकायत हमें देखने को मिलती है तो एलुमिना बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और इसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट हमें इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। पेशेंट को जब भी मल जाने की इच्छा होंगी, जब भी लैट्रिन करने की इच्छा होंगी, तो उसके काफ़ी देर पहले से उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसकी इच्छा हो जाती है कि अब हमें मल पास करना चाहिए। लेकिन जब वो जाके मल पास करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है, वो आसानी से मल पास नहीं कर पाता है। तो जानेंगे कौन कौन सी पोटेंसीज में हम एलुमिना दे सकते हैं। तो एलुमिना हम यूजुअली यूज़ करते हैं 200 पोटेंसी। 200 पोटेंसी में एलुमिना के दो दो बूंद हम कतरे डायरेक्ट जीभ पे, ज़ुबान पे दो दो कतरे इसके लिक्विड के हम ले सकते हैं। सुबह शाम हमें ये लिक्विड लेना है और 8-10 दिन तक के अगर लगातार इस दवा को मैंने जो बताया उस सिम्टम्स पे लिया तो बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट हमें इस दवा के देखने को मिलेंगे। बच्चों की बात करेंगे, इन्फंट्स के अंदर हम यूजुअली पानी भी देना प्रिफर नहीं करते, सिर्फ माँ के दूध पे बच्चे होते हैं, तो ऐसे में ये दवा कैसे दी जा सकती है। तो ऐसे में हमें करना है कि एक चम्मच पानी को अच्छी तरह से उबाल के ठंडा कर लेना है और उस एक चम्मच पानी के अंदर एक बूंद दवा मिलाना है और उसके ये जो मिश्रण है इस मिश्रण के कुछ कतरे, 4-5 कतरे उस बच्चे की ज़ुबान पर डालना है। तो इस तरह से ये दवा हम इन्फंट्स को भी दे सकते हैं। बच्चों के अंदर, इन्फंट्स के अंदर भी इस दवा से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है और अगर मल पास नहीं हो रहा है तो मल पास होना शुरू हो जाता है इस दवा से। दोस्तों, हमारी तीसरी नंबर की दवा है सिलिशिया। सिलिशिया बहुत ही अच्छी और बेहतरीन दवा है कॉन्स्टिपेशन में। आइए जानते हैं इस दवा के लक्षण के बारे में। इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन ऐसे लोगों के अंदर जिन्हें
हिमोराइड्स या फिस्चुला इन एनो रहा हो साथ में, यानी अगर मूल व्याध है या फिशर या फिस्चुला की तकलीफ अगर आपको है और उसकी वजह से हम मल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी दवा है सिलीशिया। अब सिलीशिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि सिलीशिया के अंदर पेशेंट को इच्छा नहीं होती है या इच्छा होती है, जोर लगाता है, लेकिन जब स्टूल पास हो रहा होता है, जब मल पास हो रहा होता है उसका, तो मल थोड़ा सा बाहर आता है रेक्टम के और फिर से वापस अंदर चला जाता है। तो पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है, इतना जोर लगाने के बाद में थोड़ा सा बाहर आया और वो भी अंदर चले गया। इस तरह का जब कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिलता है, तो वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ सिलीशिया। इसके अलावा सिलीशिया बहुत अच्छी रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत जब महिलाओं में हमें देखने को मिलती है, वुमेन्स के अंदर जब हमें तकलीफ देखने को मिलती है बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, यानी महावारी आने के पहले और महावारी के दौरान, अगर बद्धकोष्ठता कॉन्स्टिपेशन अगर महिलाओं में हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर दवा है सिलीशिया। बहुत ही अच्छे इफेक्ट इस दवा के मुझे देखने को मिले हैं। ये दवा हमें यूज़ करनी है 30th पोटेंसी में, सिलीशिया 30 हमें देना है, दो दो कतरे देना है, सुबह शाम हम दे सकते हैं पानी में घोल के, और ये हमें कंटिन्यूसली 10, 15, 20 दिन तक के लगातार लेते रहना है। दोस्तों, हमारी दूसरी नंबर की दवा है सैनिक्यूला एक्वा, बहुत ही बेहतरीन दवा है, बहुत ही अच्छे इफेक्ट इस दवा के मुझे देखने को मिले हैं पेशेंट के अंदर। लक्षण आप ध्यान दीजिएगा, सैनिक्यूला के पेशेंट के अंदर हमें इच्छा मल की नहीं देखने को मिलती, कब तक? तब तक जब तक बहुत ज़्यादा मल जमा ना हो जाए, जब तक स्टूल की एक लार्ज क्वांटिटी जमा नहीं हो जाती है, तब तक सैनिकुला के पेशेंट के अंदर उसकी इच्छा ही नहीं होती है कि वो मल प्रवाह करने जाए। हो सकता है 1 दिन आड़ हो, 2 दिन आड़ हो, जब तक के एक अच्छा खासा मल जमा नहीं हो जाता है, तब तक ये लोग शौच करने नहीं जाते हैं। सैनिकुला के अंदर भी पेशेंट को बहुत जोर लगाना पड़ता है मल पास करने के लिए, और ऐसे में जब मल वो पास कर रहा होता है, तब रेक्टम के वर्ज पे वो स्टूल जमा हो जाता है, और स्टूल जमा होने के बाद में उसके क्रम्बलिंग हमें देखने को मिलता है, उसके टुकड़े होते हुए हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर रेक्टम से ही इतना प्रेशर उस मल के ऊपर आ रहा होता है, तो हमें क्रम्बलिंग स्टूल इस दवा के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी एक और खासियत यह है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल शौच के दौरान पेशेंट को आती है, शौच की बहुत ही गंदी बुरी स्मेल हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा जोर लगाने की वजह से और जो क्रम्बलिंग हो रहा है स्टूल का, उसकी वजह से आसपास के जो एरिया है, एनल के आसपास के जो एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। बहुत दर्द पेशेंट को होता है, पेशेंट का दर्द वहीं तक सीमित नहीं होता है, लेकिन पूरे पेरिनियम तक के दर्द हमें इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन हमें सैनिकुला एक्वा के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, सैनिकुला बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के अंदर, तीन ही कैटेगरी के अंदर हम दे सकते हैं। जब भी हमें ऐसा देखने में आ रहा है कि 1-2 दिन मल जमा होने देते हैं ये लोग, और फिर अगर ये मल प्रवाह करने जाते हैं, लैट्रिन को 2-2 दिन बाद में जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें सैनिकुला दे सकते हैं। हमें सैनिकुला एक्वा की देनी है 30th पोटेंसी, हाँ, सैनिकुला एक्वा 30 देना है, और इसके भी हमें 4 से 5 बूंद देना है दिन में 2 बार, और ये दवा हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 महीने 1.5 महीने तक के ये दवा ले सकते हैं। दवा शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद में हमें इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, और कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा काफ़ी लोगों के अंदर हमें इस दवा के द्वारा देखने को मिलता है। दोस्तों, पहली नंबर की दवा जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्स्टिपेशन के अंदर मुझे देखने को मिली है, जिसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट है, ज़्यादातर लोगों को इस दवा से आराम देखने को मिला है, और ज़्यादातर आजकल की जनरेशन के अंदर यही दवा मुझे इंडिकेटेड देखने को मिलती है, ये दवा है नक्स भूमिका। दोस्तों, नक्स वोमिका की जो कॉन्स्टिपेशन और कब्जियत होती है, उसके लक्षण बहुत ही अलग और बहुत ही भिन्न तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट को इच्छा होंगी, वो जाएंगा लैट्रिन करने जाएंगा, मल प्रवाह करने जाएंगा, वहाँ थोड़ी देर बैठेगा, थोड़ी बहुत उसको लैट्रिन भी होंगी, लेकिन बाहर आएगा तो थोड़ा और बहुत कुछ काम करेगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसे मल प्रवाह हुआ नहीं, कुछ पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ, इस तरह का सेंसेशन हमें हमेशा नक्स वोमिका के अंदर देखने को मिलता है। सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, उसके बाद में लैट्रिन को जाएगा, थोड़ी बहुत लैट्रिन करेगा, फिर उसे लगेगा यार ठीक नहीं हुआ, फिर और थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने के बाद में फिर एक बार जाएंगा, ट्राई करेंगे। तो ये लोग कई बार दिन में तीन तीन चार चार बार इफेक्ट
दिन में तीन तीन चार चार बार सुबह ही मल प्रवाह करने की कोशिश करते हैं, लेटरिन जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें ऐसा हो लगता हो कि पेट साफ हो जाए, लेकिन ये करने के बाद में भी इन लोगों का पेट साफ नहीं होता है। दोस्तों हमने बाकी की दवाइयों में देखा, एलुमिना में देखा, सिलिशिया में देखा कि हमें इच्छा ही नहीं होती है मल प्रवाह करने की, लेटरिन जाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो नक्सोमिका के अंदर हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आपको इच्छा ही नहीं हो रही है मल प्रवाह करने की तो नक्सोमिका आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। आपको इच्छा ज़रूर होती है, आप जाने के बाद में थोड़ी बहुत लेटरिन कर भी सकते हैं, लेकिन आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि मेरी पूरी तरह से लेटरिन हो गई है। तो अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल इसका रेड स्ट्रैंड है। तो ये जब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो नक्स होमिका के बहुत ही सुंदर इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। मल हमेशा रेक्टम के अंदर थोड़ा बहुत जमा है, ये पेशेंट को रोगी को पता होता है, इसीलिए हमेशा कांस्टेंट अनइजीनेस उसे रेक्टम की जगह पर लगते रहता है। जो गुदद्वार होता है उसके ऊपर थोड़ा सा अनइजी सेंसेशन पेशेंट को हमेशा लगते रहता है, और इसी की वजह से हमें कई बार गैसेस और एसिडिटी की तकलीफ भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे रोगियों के अंदर हमें नक्सोमिका देना चाहिए और इसके बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यूजुअली नक्सोमिका 3200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक नया तरीका नक्सोमिका लेने का। हमें लेना है नक्सोमिका सेंटिसिमल पोटेंसी में, यानी नक्सोमिका 0/1। नक्सोमिका 0/1 ये दवा हमें लेनी है। इसे लेना किस तरह है, नक्सोमिका 0/1 को लेना किस तरह है, तो बहुत ही अच्छा एक तरीका है, बहुत ही नायाब तरीका है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। नक्सोमिका 0/1 लेके आने के बाद में आपको करना क्या है, आपको करना है एक चीज़ कि मार्केट से आपको लाना है 100 ml की पानी की बॉटल। 100 ml की पानी की बॉटल में से 10 ml जो पानी है वो आपको डिस्कार्ड कर देना है, 90 ml पानी बॉटल के अंदर रहने देना है। इस 90 ml पानी के अंदर हमें नक्सोमिका 0/1 के 7 से 8 ग्लोब्यूल्स दाने इसके अंदर डालना है और इसे अच्छी तरह से हिला लेना है, हिला के इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये रोज़ रात को सोते वक्त आपको इस पानी का सेवन करना है। तो इस तरह से हमें नक्सोमिका 0/1 कंटिन्यूसली देना है। अगर नक्सोमिका 0/1 इस तरह से हम लेते हैं तो 8-10 दिन तक अगर हम कंटिन्यूस इस दवा को लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे और कॉन्स्टिपेशन से बहुत जल्दी हमें छुटकारा इस दवा के द्वारा मिल सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी, इन दवाइयों के बारे में जो मैंने बताया, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि हर दूसरे तीसरे इंसान को कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, हो सकता है इन दवाइयों से उन्हें आराम हो जाए और उनकी तकलीफ़ पूरी तरह से ठीक हो जाए। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे, जो कि है 7588085974। प्लीज़ व्हाट्सएप ही कीजिएगा। आपको अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट को रिप्लाई दे पाऊँ और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।